Hi guys, wish you a very very good morning. This is me, Aishi Joshi, and you are watching me on the channel of Achieve IAS. So here it is 25th of September 2020, and we are going to take today's the Hindu news analysis. Okay, so the first news is very disappointing. मैं बड़ी उदास हूँ इस न्यूज़ को सुनकर, और होपफुली आप भी होंगे जो बाइक लवर्स हैं, जो राइड लवर्स हैं, वो लोग ज़रूर होंगे, बिकॉज मैं बड़ा पसंद करती हूँ हार्ले डेविडसन को. पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, हार्ले डेविडसन एक बाइक की कंपनी है जो कि बाइक्स लॉन्च करती है, मोटर बाइक्स. बहुत ही सिग्निफिकेंट कंपनी है, बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ ऑसम बाइक्स होती है, आउटस्टैंडिंग बाइक्स होती है, एंड विथ ऑसम फीचर्स. ओके, तो फाइनली जो है इंडिया के अंदर अभी हार्ले डेविडसन का बहुत अच्छा आउटपुट ना आने के कारण आउटकम बहुत अच्छा नहीं है. हार्ले डेविडसन को बहुत अच्छा प्रॉफिट इंडिया से नहीं मिल रहा है. इस वजह से जो है इंडिया के अंदर काफ़ी टाइम से हार्ले डेविडसन इस बात पर विचार कर रहा था और बात कर रहा था. रिसेंटली इंडिया हार्ले डेविडसन ने इंडिया के अंदर अपनी फैक्ट्रीज को शट कर दिया है, ठीक है. इवन सेल्स भी जो है स्टॉप कर दिया है. US मोटरसाइकिल मेजर अनाउंसेस एग्जिट एट पार्ट द रिवायर. ओके, प्लान दे टू कट 70 जॉब्स. डन. हार्ले डेविडसन इंक हैज़ announced that it will discontinue its sales and manufacturing operations in India. इंडिया में अपने सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को जो है डिसकंटिन्यू करने जा रही है ये कंपनी. और करीब 70 लोग जो हैं वो इस पर काम कर रहे थे हमारी कंट्री के, जो बिल्कुल जॉबलेस हो जाएंगे. एंड कंट्री एज पार्ट ऑफ द ग्लोबल स्ट्रैटेजिक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान द रिवायर पर वर्क कर रही है कंपनी. हार्ले डेविडसन ने प्लान किया है कि वो मैन्युफैक्चरिंग जो है बवाल फैसिलिटी इन बवाल एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द साइज ऑफ इट्स सेल्स इन गुड़गांव. ऑफिस जो है गुड़गांव के अंदर और बवाल में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसे बिल्कुल शट डाउन कर रही है, क्लोज कर दिया गया है. US मोटरसाइकिल मेजर ने कहा कि उनका ये स्टेटमेंट है कि हार्ले डेविडसन जो है वो प्लान कर रहा है कि वो ये सब चीज़ें बंद कर देगा. अच्छा, मैं आपको बता दूँ, बहुत पहले से इस पर काम चल रहा है, बहुत पहले से इस पर सोचा जा रहा है. मार्च से ही करीब जो है, मार्च एंड से लगा करके अब तक जो है करीब 17 मिलियन यूनिट्स एक्सीड कर दी गई है. इवन बहुत सारी ऐसी लेवल पर हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मार्केट है हार्ले डेविडसन का, जो इंडिया में रन अप नहीं कर रहा है. इंडिया का फाइनेंशियल ईयर जो है ये वाला, इसके अंदर काफ़ी लॉस में रहा है. इवन लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी 2500 यूनिट्स जो है वो लेस गई है, है ना. तो काफ़ी कम सेल्स होने के कारण ये डिसाइड किया गया है कि हार्ले डेविडसन, क्योंकि देखिए बाहर से लेकर आना, इसको यहाँ मैन्युफैक्चर करना, फिर यहाँ के रेंटल टैक्सेस और ये सब कुछ पे करना कंपनी को बड़ा महंगा पड़ जाता है. और उस कंडीशन में, उस कंट्री में ये सब चीज़ें करना जहाँ से इस कोई आउटकम नहीं निकल रहा, आउटपुट नहीं मिल रहा है कंपनी को, ठीक है. इसलिए कंपनी ने डिसीजन लिया है कि वो इंडिया में इसे स्टॉप कर देगा, ठीक है ना. अब हम ये देख सकते हैं कि रिवायर के बाद में क्या जो है कंडीशन आती है और क्या स्ट्रैटेजी आती है. 2021 से 25 तक इस पर काम किया जाएगा, उसके बाद इसे अगेन लॉन्च किया जाएगा, ठीक है. द नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया पार्क ट्रेड चार्जेस एट SAC. CISA meets. Okay, CISA meets. Both sides stayed on at online meeting despite clash. What it is? India Pakistan cross swords cross किया है terrorism के ऊपर, और जम्मू कश्मीर में जो issue चल रहे हैं terrorism से related और other issues जो चल रहे हैं उस पर foreign ministers ने meeting की है. SAC meeting 8 nations की है इसके अंदर, and 27 nation conference भी हुआ है, interaction हुआ है इस पूरे matter पर. और CISA that is कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंशियल बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया, ये पूरी इसकी जो है पूरा फुल फॉर्म है, इस पर वर्क किया जाएगा. 27 नेशन का कॉन्फ्रेंस है ये, और ये ऑर्गेनाइज हुआ है. इसके अलावा SAC मीटिंग भी हुई है. इस मीटिंग के चलते, ये जितनी भी मीटिंग्स हुई है इसके अंदर, इस जम्मू कश्मीर और टेररिज्म के मैटर को डिस्कस किया गया है, ठीक है. हाउएवर, अनलाइक सिमिलर ओकेजन्स ऑफ द पास्ट, इन द पास्ट नीदर साइड वॉक्ड आउट ड्यूरिंग द इवेंट्स हेल्ड वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन थर्सडे. स्पीकिंग एट द साउथ एशिया मीटिंग, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S. जयशंकर
called on all SAARC members to collectively resolve the defeat that scourge of terrorism. Terrorism से related जो matter है उसे collectively defeat करने की ज़रूरत है, ऐसा एस जयशंकर का कहा कहना है. उन्होंने जो है ये meeting organize की है, special participant रहे हैं online meeting के जिसमें उन्होंने इस terrorism और जम्मू कश्मीर के matter को discuss किया है. सारे SAARC members को collectively इस टेररिज्म के मैटर को रिजॉल्व करना होगा, उसे डिफीट करना होगा, उसके लिए वर्क करना होगा, इंक्लूडिंग द फोर्स दैट नर्चर सपोर्ट एंड एनकरेज एन एनवायरनमेंट ऑफ टेरर एंड कॉन्फ्लिक्ट. टेरर और कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट को जो है रिड्यूस करने के लिए, उसके जो फोर्स है उसको रिड्यूस करने के लिए हमें इस पर वर्क करना होगा. और टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए SAARC के सभी मेंबर्स को इक्वल लेवल पे कलेक्टिवली वर्क करना होगा, ऐसा जो है एस जयशंकर एक्सटर्नल मिनिस्टर ने अपने एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर जो है इंडिया के उन्होंने जो है मीटिंग के अंदर ये बात कही SAARC की मीटिंग के अंदर. ठीक है, अल्टीमेटली कहना ये है, इसका ओवरऑल जो कंक्लूजन है इस आर्टिकल का वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उन्होंने पूरी तरीके से डिस्कस किया है और मैटर को ये जो है ये एक बहुत बड़ा मैटर रखा है ट्रेड चार्जेस का. पाकिस्तान इंडिया जो है पाक ट्रेड चार्जेस जो है उनका मैटर वहाँ पर रखा है SAARC के अंदर. उसी के साथ में हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है हमारे अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर उन्होंने SAARC मीटिंग के तहत टेररिज्म और जम्मू कश्मीर के मुद्दे को भी उठाया है. सो इट इज़ ऑल अबाउट इट, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो इसके अंदर डिस्कस किए गए मीटिंग में, जिस पर वर्क करने की ज़रूरत है. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट इंडिया वर्सेस चाइना. काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड मैटर है, इंटरनेशनल इशू है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, और मतलब इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट हम कह सकते हैं इंडिया का. तो उस पर हम डिस्कस करेंगे. इफ़ PLA कम्स क्लोज ऑल ट्रूप्स कैन फायर. अगर PLA किसी भी लेवल पे जो है क्लोज आता है तो हम उसे पूरी तरीके से मुंहतोड़ जवाब देंगे. ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच एट द सिक्स्थ राउंड ऑफ कॉर्प्स कमांडर टॉक्स अर्ली दिस वीक. इस हफ्ते के शुरुआती दौर में जब बात हुई थी सिक्स्थ राउंड में, उस समय इंडिया और चाइना इस बात के लिए एग्री नहीं थे कि वो और ट्रूप्स को फ्रंट लाइन भेजेंगे. इट इज़ अ गुड स्टार्ट एट ऑल. ओके, सो समवेयर और ट्रूप्स जो है एंगेज नहीं होंगे और डिसएंगेजमेंट का प्रोसीजर के लिए हमने एक जो है धमकी दी है. अब उस धमकी का कितना असर होता है चाइनीज़ ट्रूप्स पे, चाइनीज़ किस तरीके से उस चीज़ों को हैंडल करते हैं और कैसे, देखिए बहुत चाइनीज़ लोगों ने भी बहुत सफ़र किया है, काफ़ी डेथ्स देखने को मिली है चाइनीज़ ट्रूप्स में भी, है ना. और वहीं पे इंडिया ने भी काफ़ी सफ़र किया है, बेमतलब काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं, काफ़ी सारे जो है हम कह सकते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है घटित हो रही है, काफ़ी सारी चलते फिरते काफ़ी गोलीबारी की जा रही है, काफ़ी फायरिंग की जा रही है. तो इस तरीके से बहुत सारे लॉसेस इंडिया ने भी गेन किए हैं और वहाँ पर सफ़र किए हैं चाइना ने भी. बट अल्टीमेटली वॉट इज़ द मेन थिंग, वॉट इज़ द इशू हेयर, इशू इज़ वी हैव टू गो थ्रू द डिसएंगेजमेंट. जब तक डिसएंगेजमेंट नहीं होगा तब तक प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा, प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा तब तक शांति नहीं होगी. तो इसलिए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंडिया ने बिल्कुल क्लियर, देखिए अब तक तो इंडिया क्योंकि एक हम बहुत शांत या हम कह सकते हैं सहनशील भारत के तौर पे जाना जाता है, तो हम शांतिपूर्वक मित्रता के आधार पर इस संबंधों को निपटाने की कोशिश कर रहे थे, सुधारने की कोशिश कर रहे थे. बट अल्टीमेटली एक टाइम वो आ चुका है जिस समय ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि अब हम रेडी नहीं हैं सहन करने के, अब हम बिल्कुल रेडी नहीं हैं कि हम उस चीज़ को हैंडल करेंगे, इसलिए हम मुंहतोड़ जवाब तो ज़रूर देंगे. ठीक है, अगर PLA बिल्कुल भी पास में आता है तो हमारी ट्रूप्स रेडी है फायर करने के लिए. ओके, तो ये बिल्कुल क्लियर एक जो मैसेज है वो हमने दे दिया है चाइना को और बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दिया है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे, अगर मौका पड़ता है तो हम उसको बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देंगे, इस चीज़ के लिए वो रेडी रहें. ठीक है, तो अब देखते हैं क्या जो है, अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉम्प्लिकेटेड चल रही है बॉर्डर पर और बहुत लंबे समय से आपको पता है 5th of May से स्टार्ट हो चुकी थी सारी चीज़ें, जहाँ चाइनीज़ ट्रूप्स कंटिन्यूसली इंडियन पेट्रोल्स को जो पेट्रोलिंग एरिया है उन सभी को ब्लॉक करते चले जा रहे हैं, वहीं पे अब जो कंडीशंस है थोड़ी सी एडवर्स नज़र आ रही है क्योंकि इंडिया ने कह दिया है कि वी आर नॉट रेडी टू हैंडल एनी मोर. ओके, सो लेट्स सी क्या इम्पैक्ट होता है स्टेटमेंट का, इन सारी चीज़ों का क्या इम्पैक्ट होता है, क्या लिटरली वी आर रेडी टू गो फॉर द फायरिंग और एनीथिंग एल्स, जस्ट लेट्स वेट एंड वॉच. ओके,
The next article is Terms of Disengagement. It is all about China-India border. Military level talks help avoid confrontation, but the China border remains a challenge. China border अपने आप में एक challenge है जो कि अभी बरकरार है. हाँ, हमारा मिलिट्री लेवल की जो टॉक्स है उससे कहीं ना कहीं कन्फ्रंटेशन अवॉइड हो सकता है, बट अल्टीमेटली चाइना बॉर्डर जो है वो अपने आप में एक चैलेंज है हमारे लिए. दैट इंडिया एंड चाइना हैव एग्रीड टू स्टॉप सेंडिंग मोर ट्रूप्स. अब हम और ट्रूप्स नहीं भेजेंगे फ्रंट लाइन पर, ये चीज़ रेडी हो चुके हैं दोनों. बट अल्टीमेटली वी नो वेरी वेल दैट और टेंशन बढ़ने वाली है LAC के ऊपर, क्योंकि एक हिटिंग पॉज है. ओके, indeed the genesis of the tensions lies in China's large scale deployment of troops. unka jo troops hai large scale pe jo unhone deploy kar rakhe hain troops ko is area ki taraf mein se lekar ke ab tak kaun kaun se areas mein unhone deploy kar rakha hai, basically galwan valley le lijiye, pangong lake le lijiye ya gogra le lijiye, hot spring area le lijiye, dipsang plains jo hai wo ab to main hai, wo abhi lead kar rahe hain na is area mein, jahan jahan area par unhone 4 border agreements है साइन हुए अब तक. लेकिन उसके अलावा भी हमने इन 4 बॉर्डर एग्रीमेंट जो अब तक साइन हुए हैं उनको वायलेट किया गया है यहाँ पे. और 1993 से जो पीस जो सिचुएशन है, पीस कंटिन्यू करने की जो जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के जो 4 बॉर्डर एग्रीमेंट्स हुए थे उन्हें भी यहाँ पे वायलेट कर दिया गया है. और सिचुएशन इस लेवल पे जा चुकी है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत ही जो हम कह सकते हैं कि काफ़ी हॉरेबल सिचुएशन नज़र आ रही है. दिस हैज़ फोर्स्ड इंडिया टू मैच द चाइनीज डिप्लॉयमेंट, लीडिंग टू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल्डअप ऑन अ स्केल नॉट सीन सिंस 1962. The new agreement of, देखिए अब तक 1962 से अब तक कभी गोलीबारी नहीं हुई, लेकिन पहली बार गोलीबारी हुई है बॉर्डर पे, है ना. सो द न्यू एग्रीमेंट ऑफ सेप्टेम्बर 21 सेप्टेम्बर का जो नया एग्रीमेंट है जो कि 6th राउंड में डिसाइड किया गया है, उसके अंदर ये डिसाइड किया गया है कि हम और जो सेना है और ट्रूप्स जो है वो एंगेज नहीं करेंगे, यहीं पे ट्रूप्स का एंगेजमेंट स्टॉप कर दिया जाएगा. ठीक है, डिस एंगेजमेंट की बात नहीं की गई है, लेकिन ट्रूप्स का जो एंगेजमेंट है उसे स्टॉप कर दिया जाएगा और सीरियसली इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है. तो ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कुछ हद तक हमें जो है शांति प्रदान करती है. द जॉइंट प्रेस रिलीज़ की गई है और जिसके अंदर ये कहा गया कि हम जो है कम्युनिकेशन बेसिस पे अगर बात करें तो हम लोग दोनों जो है, चाइना ले लीजिए चाहे इंडिया ले लीजिए, इस एंगेजमेंट को स्टॉप करने के लिए यहाँ पे बिल्कुल 100% रेडी नज़र आ रहे हैं. ठीक है, और हम इस जजमेंट को अवॉइड भी किया जा रहा है यहाँ पे, और यूनिलेटरल चैलेंजेस जो है सिचुएशन को लेकर के उसे भी यहाँ पे रिफ्रेन करने की बात कही जा रही है. ठीक है, उसे रिफ्रेन करेंगे. एंड अल्टीमेटली इन दिस एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसके अंदर जो है हेल्प स्टेम द ब्लीडिंग एज इट वर, इट डज नॉट एड्रेस मोस्ट ऑफ इंडियंस फंडामेंटल कंसर्न. काफ़ी सारे ऐसे फंडामेंटल कंसर्न हैं LAC से रिलेटेड इंडिया के जिन्हें यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है. और शुरुआती अगर बात करें, शुरुआती बातचीत के आधार पर इंडियन ऑफिशियल्स हैड हाईलाइटेड द की पॉइंट्स ऑफ देयर एजेंडा. अपने एजेंडा पर उन्होंने उनके की पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए बात की है और चाइना के फ्रिक्शन पॉइंट्स के बेसिस पर डेपसांग और पेंगोंग सो लेक जो है वहाँ पे जो घटनाएं हो रही है, पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो है वहाँ पे अनहिंडर किया है. ठीक है, उसको ग्रांट कर दिया गया है. नाउ चाइना हैज ब्लॉक्ड एक्सेस टू 10 PPs पेट्रोलिंग एरिया, जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे वहाँ पे मई से लगा करके अब तक भारत की जो पेट्रोलिंग है वहाँ पे 10 ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ चाइना जो कि ब्लॉक कर चुका है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी डिस्टर्बिंग है, काफ़ी हम कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में संबंधों को बिगाड़ने का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बन चुका है चाइना का ये जो प्रोसीजर है, पेट्रोलिंग पॉइंट्स को जो है ब्लॉक करने का जो प्रोसीजर है. फॉर द इंडियन गवर्नमेंट सच अ स्टेटमेंट इन द मिड्स ऑफ पार्लियामेंट सेशन वेयर इट हैज़ फेस्ड दिस मैसेज faced questions over its handling to the LAC situation sends a message that China crisis is under control. Ultimately, जब सेशन के अंदर ये बात हुई, मॉनसून सेशन हुआ था अभी ऑर्गेनाइज, और उसके अंदर जब ये प्रश्न पूछा गया कि क्या कंडीशन है, तब ये जवाब आया कि अब जो है सिचुएशन कंट्रोल में है, है ना, ये जो सिचुएशन है चाइना से रिलेटेड. ठीक है, फॉर चाइना द मोटिवेशंस कुड बी टू फोल्ड. दो तरीके से चाइना के लिए मोटिवेशन हो सकता है, इधर अ टैक्टिकल पॉज
दैट गिव्स इट टाइम टू प्रिपेयर फॉर फर्दर मिलिट्री मैन्यूवर्स. अब ये जो हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है और जो स्टॉप लगा है यहाँ पे एंगेजमेंट को लेकर, तो वहाँ पे दो चीज़ें हैं चाइना की. एक तो ये कि वो आगे की जो आगे जो सिचुएशंस क्रिएट करनी है उन्हें उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ टेक्टिकल पॉज के अलावा एज वॉज द केस इन एंड August south of Pangong Lake, okay, or a signal that Beijing wants to die down tensions. Beijing चाहता है कि ultimately ये जो tension दोनों के बीच चल रही है वो शांत हो जाए. ठीक है, तो इस तरीके से कोई territorial gains को ना देखते हुए, उसको give up नहीं करते हुए, ये seriously जो है मई से लगा करके अब तक काफ़ी उन्होंने किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा कि किस तरह के रिलेशन बिगड़ेंगे, उनकी ट्रूप्स को क्या होगा, ये सब चीज़ें बिना सोचे समझे वो जिस तरीके से स्टेप्स उठाते चले जा रहे हैं. तो क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस एग्रीमेंट का, मिलिट्री लेवल टॉक्स का जो कि रिसेंटली हुई है उसके बारे में क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है? अब ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सभी जानते हैं. ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है आगे, क्या सिचुएशन होती है और चाइना आगे क्या कंडीशंस क्रिएट करता है. ठीक है, द नेक्स्ट इज द फॉरेन हैंड. एनजीओज फिल इन फॉर द स्टेट रेगुलेशन शुड नॉट स्टिफल देयर फंक्शंस. अमेंडमेंट्स टू द एफ सी आर ए में अमेंडमेंट किया गया. अभी आपको पता है कुछ दिन पहले अपन ने एफ सी आर ए के बारे में पढ़ा था. बेसिकली एनजीओज जो है उनको बाहर की जो कंपनीज है, बाहर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जब वो इन्वेस्ट करते हैं हमारे एनजीओज के अंदर, तो वो जो कंट्रोल होता है वो एफ सी आर ए के अंडर में होता है. एफ सी आर ए पूरी तरीके से कंट्रोल करता है फॉरेन जो फंडिंग हो रही है एनजीओज के लिए, उन सबको और उन सबके लेखा जोखा जो है, जो भी लेन देन है, जो भी उसका जो भी प्रोसीजर है, या वो फंडिंग कैसे हो रही है, क्या हो रही है, उसका क्या प्रोसीजर हो रहा है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें एफ सी आर ए देखता है. तो अभी रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे, एफ सी आर ए ने कुछ अमेंडमेंट किए थे, एफ सी आर ए के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए गए थे. अब उससे क्या सिचुएशन क्रिएट हुई है या क्या है मैटर, उसके बारे में इस आर्टिकल में हम लोग पढ़ेंगे. एफ सी आर ए के अंदर अमेंडमेंट ड्राफ्ट किया गया था विदाउट कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स के से कंसल्टेशन के बिना ही जो है, लिमिटेड डिस्कशन के बेसिस पर पार्लियामेंट में एफ सी आर ए के अंदर अमेंडमेंट के बिल पास कर दिए गए थे. फर्दर क्लिप द विंग्स ऑफ इंडियाज बार्टर्ड सिविल सोसाइटी. न्यू रेगुलेशंस पुट एनरियस कंडीशन ऑन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ एनरियस कंडीशंस क्रिएट की जा रही है इस न्यू रेगुलेशंस के थ्रू. एंड एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस पे भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है जिसके पार्टनरशिप में चल रहे हैं. ठीक है, एनजीओस की. अब फिनेंशियल नेचर की अगर बात की जाए, इंक्लूडिंग ऑफ अ फिनेंशियल नेचर विथ फॉरेन एंटिटीज़ के साथ में हमारे जो फिनेंशियल नेचर है, फिनेंशियल कंडीशंस है, उसके बेसिस पे अगर फंडिंग पर कोई भी प्रभाव पड़ता है, तो भारत में कई सारे स्कूल्स और ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन ऐसे चल रहे हैं जिनका पूरे तरीके से जो फिनेंशियल सिस्टम है वो बेस्ड है इन फॉरेन फंडिंग के बेसिस पर. ओके, अब क्या चीज़ें हुई हैं? पैशंस ओवरवेलम रैशनलिटी इन कन्वर्जेशन ऑन फॉरेन इन्फ्लुएंस एंड इट कुड वेल बी ट्रू दैट अ पोर्शन ऑफ फॉरेन सच फॉरेन असिस्टेंस मे बी रीचिंग द रॉन्ग हैंड्स. इन पार्लियामेंट द बीजेपी एलेक्टेड दैट फॉरेन मनी वॉज बींग यूज फॉर रिलीजियस कन्वर्शंस. अब पार्लियामेंट में इस बारे में डिस्कस किया गया है, बीजेपी ने इस बारे में बताया है कि जो फॉरेन मनी है उसे रिलीजियस कन्वर्शंस के लिए यूज़ किया गया था. एंड इन 2017 द गवर्नमेंट बेयर्ड अमेरिकन क्रिश्चियन चैरिटी कंपैशन इंटरनेशनल accusing it of supporting conversions. The debate on religious propagation and conversions must be delinked from the question of foreign funding. देखिए बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है. रिलीजियस थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग भी है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है ये आर्टिकल. बेसिकली ऐसे कई सारे हमारे यहाँ पे, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, ऐसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जिनको भी फॉरेन से फंडिंग होती है ना, तो उसको भी यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है. जो फंडिंग ऑलरेडी फॉरेन से यहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए हो रही है उसको भी यहाँ पे वो लॉ के अगेंस्ट ऐसा कहते हुए उसे भी जो है स्टॉप करने की बात कही गई है. उसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें जो सोर्सेज ऑफ फंड है नेटिव्स एंड या फिर जो फॉरेन सोर्सेज हैं फंड्स हैं उनको टचस्टोन जो है उसके अगेंस्ट डिसीजन लिया गया है. ठीक है, सम ऑफ द एनजीओस बिसाइड शोइंग अप इंडिया टू बी ओवर रेगुलेटेड. इंडिया जो है वो ओवर रेगुलेट कर रहा है ऐसा एनजीओस का कहना है.
ठीक है। तो देखिए अल्टीमेटली वसुदेव कुटुंबकम को फ्रेम के जो फ्रेमवर्क है उसके बेसिस पर ग्लोबल एंगेजमेंट की बात कही गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ ऑफन साइटेड द एंशियंट इंडियन एथोस ऑफ वसुदेव कुटुंबकम। द इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट हैज़ सेड, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट ने कहा है कि नए लॉ जो है वो इनकम्पैटिबल हैं इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के एंड इंडिया के ओन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के राइट्स के भी इवन। ओके, सीमलेस शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड रिसोर्सेज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज इज एसेंशियल। जो सीमलेस शेयरिंग ऑफ आइडियाज जो है बिल्कुल बेझिझक जो है बहुत सारे आइडियाज आपस में शेयर होने चाहिए, रिसोर्सेज शेयर होने चाहिए कंट्रीज के बीच में आपस में ग्लोबली, जिससे कि हमारा जो एक कनेक्शन है वो भी बना रहता है और ये ज़रूरी भी है कि हमारे बीच में जो है एक्सचेंज होता रहे, चाहे वो रिलीजियस चीज़ें हैं, चाहे रिलीजियस आइडियाज़ हैं, चाहे और अदर आइडियाज़ हैं, ये सारी चीज़ें एक्सचेंज होनी चाहिए और रेगुलेशंस एक्सचेंज होने चाहिए। ठीक है, तो इट शुड नॉट बी डिस्करेज, इसे डिस्करेज नहीं किया जाना चाहिए, इन फंड्स की एक्टिविटीज़ को रोकना नहीं जाना चाहिए और इन्हें लीगल एड्स की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? बेसिकली मैं आपको पूरा एक फंडा क्लियर कर देती हूँ। काफ़ी सारे थाउजेंड्स ऑफ एनजीओज हैं जो कि एक्सट्रीमली डिसएडवांटेज सेक्शन में चल रहे हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है और कई सारे ऐसे एक्टिव ऐसे देखिए बहुत सारे एनजीओज होते हैं, है ना, इंडिया में तो बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जो कि काफ़ी ऐसे हैं, मैक्सिमम ऐसे हैं जो फॉरेन फंडिंग के बेसिस पे चल रहे हैं, फॉरेन फंडिंग से जो पैसा मिलता है उन बेसिस पर चल रहे हैं। लेकिन कई सारे ऐसे एनजीओज हैं अनफॉर्चुनेटली जो कि पूरी तरीके से इस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और दुरुपयोग के आधार पर इस पैसे को चला रहे हैं, इस सिस्टम को चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम को इम्पैक्ट कर रहा है, हमारी सोसाइटी का जो इम्पैक्ट है ग्लोबल लेवल पर उसे ख़राब करता है। इसी बेसिस पर ये बिल पास किया गया था, इस बेसिस पर जो है अमेंडमेंट किया गया था FCRA के अंदर। तो अब अल्टीमेटली ये जो FCRA प्रोविजंस है उसके बेसिस पर जो है ये बात कही गई है, किसके द्वारा, जो लोग NGOs एक्टिविटी चला रहे हैं या अदर एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर रहे हैं, लीगल जो एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो ये जो प्रोविजन या जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं भारत के धार्मिक उस जो है एंटिटी को या धार्मिक जो है चेतना जो है लोगों की या हमारी जो आइडियोलिटी है रिलीजियस बेसिस पर या NGOs के बेसिस पर उसे हर्ट कर रहा है ये लॉज। और लीगली इसके अंदर इन्वॉल्व होना समवेयर या लीगल इन जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें इसके अंदर इन्वॉल्व करना फंडिंग के अंदर, ये अब किसी हद तक जो है गलत है। तो ये अब जंग है सरकार और NGOs के बीच में FCRA प्रोविजंस को लेकर के कि वॉयलेट किया जा रहा है FCRA प्रोविजंस को। कई जगह पे जो वॉयलेटर्स हैं उनका ये कहना है सरकार वॉयलेट कर रही है, उनके काम को इंटरप्ट कर रही है, और वहीं पे फॉरेन फंडिंग्स को स्टॉप करना अपने आप में कहीं ना कहीं एक तरीके से या इसको इफेक्ट करना अपने आप में कहीं ना कहीं NGOs को काफ़ी लॉस में ले जाने का काम करती है। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट, क्या इसका रिजल्ट निकलता है, क्या आउटकम होता है इसका, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे आगे के सिनेरियो के अंदर कि क्या अमेंडमेंट्स हैं, इसके ऊपर क्या अमेंडमेंट किए जाते हैं, क्या चीज़ें चेंज की जाती हैं और इस पर सरकार का क्या कहना है, ये सारी चीज़ें आने वाले आर्टिकल्स में पता चलेगी। ठीक है, शेडो फोर्स अपार्ट चाइना, इंडिया नीड्स चाइना प्लान। देखिए हम ऑलरेडी चाइना से रिलेटेड और इंडिया से रिलेटेड दो चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, अब मैं इसके बारे में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी कि बेसिकली इस आर्टिकल में दिया हुआ क्या है। शेडो फोर्स अपार्ट इट मींस अब इंडिया जो है बेसिकली उसे अब ज़रूरत है चाइना के लिए एक प्लान बनाने की, क्योंकि अब सारी चीज़ें एक तरफ है कि हम बिल्कुल छत्र छाया दे रहे थे, शांति बनाए रख रहे थे, सब कुछ था, लेकिन अब उनके एक्टिविटीज़ पे भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे, है ना, क्यों, क्योंकि हमें ये लगता था कि भारत एक जो है शांति प्रिय देश है, उसके लिए ये सब चीज़ें करना कहीं ना कहीं जो है भारत की छवि को ख़राब करता है। तो ये अब इंडिया को एक प्लान की नीड है ना, चाइना के लिए एक प्लान बनाने की ज़रूरत है, कैसे चाइना के साथ अपने रिश्तों को हैंडल करना है, कैसे उन्हें ट्रैक पर लेकर आना है और कैसे हमारे जो सोल्जर्स पिछले 6 महीने से जो ऑलरेडी एंगेज हो रखे हैं उन सब की सिक्योरिटी को कैसे ध्यान में रखना है, बॉर्डर सिक्योरिटी और हमारा जो हम कह सकते हैं कि जो सिचुएशन है उसे कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि स्टैंड ऑफ जो है वो हाइट पर जा चुका है, अब जो सिचुएशन है वो बिल्कुल हाइट पर जा चुकी है,
अब सारी चीज़ों को साथ में रख करके, साइड में रख करके अब हमें स्टैंड लेना होगा चाइना के अगेंस्ट, ठीक है। और तिब्बत जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसे इस आर्टिकल में बताया गया है। चाइना का जो स्टैंड है उसे समझने की ज़रूरत है, और अब स्टैंड ऑफ जो है उसके रिजोल्यूशन की ज़रूरत है। विद द रिजोल्यूशन ऑफ द स्टैंड ऑफ फार अवे, न्यू दिल्ली मस्ट स्टडी हाउ बीजिंग हैज़ हैंडल्ड इट इट्स अदर बाउंड्री डिस्प्यूट्स। दूसरे बाउंड्री डिस्प्यूट्स को कैसे बीजिंग ने हैंडल किया, मतलब चाइना ने हैंडल किया है, तो क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की गई है शांतिपूर्वक जो है अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, या चाइना के साथ डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी दूसरे देशों ने फॉलो की है, चाइना ने किस तरीके से अपने संबंधों को उनके साथ सुधारा, और चाइना क्या चाहता है, ये सारी सिचुएशंस को सीखने समझने और प्लान करने की ज़रूरत है। तो ये पूरा इस आर्टिकल में दिया गया है, गुरदीप सिंह जो है, गुरदीप सिंह जी द्वारा ये आर्टिकल दिया गया है। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, और बहुत ही हम कह सकते हैं फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल हैं वो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के, और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन है जिन्होंने ये आर्टिकल दिया है। और अब इंडिया चाइना रिलेशन को इस इनसे अच्छा एक्सप्लेन कोई नहीं कर सकता, तो आप इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ हेल्थ वर्कर सेफ्टी डिजर्व्स अ सेकंड लुक। हेल्थ वर्कर्स की जो सेफ्टी है उसे एक सेकंड लुक की ज़रूरत है, ठीक है। द की इज़ टू अडॉप्ट अ सिस्टम अप्रोच एंड ले एम्फेसाइज ऑन अ कल्चर ऑफ हेल्थ वर्कर वेलबींग। हेल्थ वर्कर के वेलबींग के लिए जो कल्चर और ट्रेडिशन चला रहा है उसमें, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है उसे, और एक सिस्टमेटिक अप्रोच की ज़रूरत है, ठीक है। हेल्थ फैसिलिटीज़ आर अ प्लेस ऑफ हीलिंग एंड रिस्टोरेशन। रिस्टोर और हीलिंग के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो एक बहुत अच्छी जगह है, और उसके लिए अगर उसे हार्म किया जाता है तो क्या ये सही है, और उसको हार्म होने से बचाने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए उसको यहाँ बताया गया है। ग्लोबल लेवल पे फोकस करते हैं अगर, तो हेल्थ वर्कर्स की क्या कंडीशन है उस बेसिस पर हम बहुत ही डाउन लेवल पे हैं अभी। हेल्थ वर्कर्स की अच्छी कंडीशन को लेकर जो अगर रेटिंग की जाए तो इंडिया बहुत डाउन लेवल पे है, मतलब हमने अपने हेल्थ वर्कर्स को बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रखी है, ठीक है। कोविड 19 एंड रिपोर्टिंग केसेस के बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पे। लुकिंग एट द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज हेयर ओके स्टेक होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट को भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। सिस्टमेटिक अप्रोच की ज़रूरत है, किस तरीके से डॉक्टर्स को जो है उस उनके वेलबींग के ध्यान में रखते हुए उनके कल्चर को एम्फोसाइज करने की ज़रूरत है, और कैसे हेल्थ वर्कर्स को ध्यान रखने की उनके लिए प्रॉपर जो है प्रॉपर सिस्टमेटिक एक सिनेरियो क्रिएट करना, एक सिस्टम क्रिएट, नए सिस्टम को क्रिएट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर दी गई है कि क्या की सिस्टम है जो हमें अडॉप्ट करने होंगे, क्या की पॉइंट्स है जिनको फॉलो करना होगा, कैसे हम इस सिस्टम को और सुधार सकते हैं, और कैसे हेल्थ वर्कर्स को और ज़्यादा डिजर्व एज दे डिज़र्व अ सेकेंड लुक, हाउ वी कैन प्रोवाइड दैम, ओके। तो ये जो आर्टिकल है ये हरि कीर्तन रघुराम और अनंत बांध द्वारा लिखा गया है। ये आर्टिकल जो है ये इन दोनों द्वारा लिखा गया है। हरि कीर्तन जो है वो पब्लिक हेल्थ रिसर्चर और कंसल्टेंट हैं, वहीं डॉक्टर अनंत भान जो है वो रिसर्चर हैं ग्लोबल हेल्थ के और बायोएथिक्स एंड हेल्थ पॉलिसीज़ के, ओके। सो अल्टीमेटली हेल्थ वर्कर्स नीड अ गुड सिनेरियो सेकेंड लुक एंड वी नीड टू गो फॉर इट बिकॉज दे डिज़र्व इट, ओके। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे हमने उनको यहाँ पे डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर कुछ भी रह जाता है तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, हम उसे डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में हमने अपना एक नया जो है लॉन्च किया है, नया सीरीज़ लॉन्च किया है, नया एक इनिशिएटिव लिया है हमने, जिसके अंदर हम इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल सेक्शन को भी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सो डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू इट एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, क्योंकि ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है, ओके। Thanks for being with me. Thanks for watching. Bye-bye. Take care. Have a great time ahead.